हेलो बच्चों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और जो हमारा शेष टॉपिक रह गया था आज उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा बारहवीं क्लास का लेक्चर था अर्थव्यवस्था में हम उसका परिचय पढ़ रहे थे और परिचय में आपकी सामान्य जो अर्थव्यवस्था है हम उसके बारे में उसकी जानकारी ले रहे थे और जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें ये जानने की कोशिश करी है कि आखिर में जो आपकी वस्तु और जो आपकी सेवा हैं वो क्या हैं आपकी सीमित हैं और उन सीमित वस्तुओं का किस प्रकार उपयोग करना है उपभोग करना है अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं वस्तुओं का सेवा की आपकी ज़रूरत है तो वो सभी एक ही व्यक्ति के पास से पूरी तो नहीं की जा सकती उसको अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और हमने इसको कल और परसों के दो दिन के लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था और साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि जो वस्तु का उत्पादन होगा वो किस प्रकार होगा कैसे होगा और कितना होगा ये सब चीज़ें मैं आपको पहले आपको बता चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया होगा आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो मैं सभी बच्चों से एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि अपनी किताब और कॉपी और पेंसिल अपनी लेकर बैठिए जहाँ भी मैं अंडरलाइन करता हूँ या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि हमारे लिए आपका महत्वपूर्ण है आप उसको अंडरलाइन कीजिए और एक बार यहाँ ये यह जो हमारी क्लास चल रही है इसको पढ़ने के बाद एक बार घर जाकर ज़रूर पढ़िए ताकि आपको सब चीज़ें क्या हो जाएँ बच्चों अच्छे से क्लियर हो जाएँ ध्यान दीजिए मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा था आइए देखते हैं तो बच्चों हमने क्या सीखा था जो आवश्यकता की हमारी उपभोग की जो आपकी वस्तुएं और सेवाएं हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था कि एक ही व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें आपके प्राप्त नहीं की जा सकती इसके लिए अन्य माध्यम की होने की बड़ी आवश्यकता है साथ में जो आपके सीमित आपके संसाधन हैं उनका हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे और हमें अपनी आवश्यकताओं को जो हमारी मनोरंजन की चीज़ें हैं उनको हम कम करें या ना करें वो सब हमारे ऊपर थी आपका निर्वाह करती है और किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए यह निर्णय किसका होगा और कौन लेगा इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और साथ में हमने यह भी देखा जो आपके वस्तु का उत्पादन होता है वो कैसे होता है कौन करता है क्या है इसके विषय में भी हमने पढ़ा बाकी जो शेष बचा है हम लोग उसको आपको डिजिटल माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा आइए देखते हैं ध्यान दीजिए हम लोग क्या पढ़ चुके थे बच्चों देखिए सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि आखिर में अगर कोई आपकी वस्तु है उस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए ये हमारे सामने क्या थी एक समस्या थी क्लियर हो गया और मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा आपको दिखा देना चाहता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था है की जो आपकी सेंट्रल की जो आपकी प्रॉब्लम है केंद्र की जो आपकी समस्याएं हैं हम उनको पढ़ने की क्या कर रहे हैं बच्चों कोशिश कर रहे हैं क्लियर हो गया और उसमें हमने सबसे पहली समस्या ये देखी थी किन इन वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और इस कौन लेगा इसका निर्णय इसका निर्णय हमने पढ़ा था कि इसका निर्णय लेने का अधिकार किसको है समाज को ही निर्णय लेना पड़ेगा जिसके पास क्या है आपके सीमित संसाधन हैं क्लियर हो गया बच्चों साथ में हमने ये भी देखा कि जो आपके वस्तु का उत्पादन कैसे करते हैं इसका निर्णय लेना भी आपका कौन लेगा इसका निर्णय भी आपका समाज लेगा कि जो आपकी वस्तु और सेवा है जो उसका उत्पादन होना है कितनी मात्रा में होना है कितना अधिक होना है कि आपका मशीन से करेंगे कि जो आपके श्रम लेबर है उससे करेंगे और उनके किन तकनीकों को अपनाया जाएगा इन सब चीज़ों का निर्णय कौन लेगा आपका समाज ही लेगा बच्चों तो आज की जो हमारी अगली है वो क्या है बच्चों ये है ध्यान दीजिए इसे पढ़ते हैं इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाएगा देखिए जो आज का हमारा विषय रहेगा उसमें किस को हम लोग वो करेंगे फोक, फोकस करेंगे बच्चों किन जो आपकी वस्तु है उ, उनका उत्पादन किसके लिए किया जाएगा आइए हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी यानी कि यह देखना जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो उसमें वस्तु है उसकी मात्रा कितनी प्राप्त होगी यह देखना है अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए और किसको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी और किसको कम मात्रा में प्राप्त होगी यह सुन सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था के सभी आ, नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो देखिए अब क्या बात कर रहा है वो बच्चों ये कोशिश कर रहा है कि जो आपकी जो वस्तु है जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग ये देख रहे थे कि इन वस्तु का उत्पादन किसके लिए किया जाए अब देखिए आप आप देखेंगे अब हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि जो वस्तु का उत्पादन होगा वो किसके लिए होगा और जो उत्पादित जो आपकी वस्तु होगी वह व्यक्ति विशेष तक किस प्रकार पहुँचेगी आपकी कम जाएगी कि अधिक मात्रा में देनी है या किस प्रकार देनी है ये भी हमारे सामने क्या है आपकी समस्या है ताकि हम इन सब चीज़ों को आपका दे देख सकें कि जो आपकी वस्तु हैं उनका अंतिम उपभोग सेवाएं किस प्रकार आपको जानी है उनका आवंटन किस प्रकार होगा अधिक मात्रा में होगा कम मात्रा में होगा या किस प्रकार होगा इस विषय में हम लोग आगे देखेंगे देखिए क्या जो आप प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है प्रारंभिक शिक्षा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ देखिए वो कह रहा है कि जितनी ये सब आपकी चीज़ें हैं चाहे आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो आपकी जो स्वास्थ्य सुविधा है जो आपकी बुनियादी जो आपकी बेसिक स्वास्थ्य सुविधा जैसी आपकी सेवा होती हैं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए अब देखिए साथ में ये जो एक छोटा सा वो बनना है पिर्सन चिन्ह ये प्रश्न चिन्ह इस बात पे खड़ा करता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं कराएं कि वो आपका नहीं कराएं देखिए तो ये भी ये क्या है अर्थव्यवस्था के सामने एक आपकी चुनौती है कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है और जो आपकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो सब चीजें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में वो लोगों को कैसे मिलनी चाहिए आपके बच्चों निःशुल्क मिलनी चाहिए कैसे मिलनी चाहिए आपकी निःशुल्क मिलनी चाहिए ध्यान दीजिए निःशुल्क ठीक है आगे देखते हैं अतः है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है यानी कि जो भी आपकी अर्थव्यवस्थाएं चाहे वो किसी देश की हो चाहे किसी राज्य की हो उसको ये सब कुछ सामना करना पड़ेगा कि आखिर में जो उसके देश के लोगों के साथ में जो आपकी बेसिक एजुकेशन है जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है और साथ में जो उसकी बेसिक जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो निःशुल्क प्राप्त कराए जाएं कि नहीं कराए जाएं ये क्या है ये हर एक अर्थव्यवस्था के सामने आप मान सकते हैं देश के सामने राज्य के सामने क्या है अपनी अपनी चुनौती हैं और साथ में दूसरी चुनौतियां ये है बच्चों की जो आपका संसाधन आपकी चीजें होंगी वो प्रत्येक व्यक्ति पे पर आपकी समान जाएंगी या कम जाएंगी या अधिक जाएंगी या फिर जो आप उनका बंटवारा करोगे वो किस प्रकार से होगा तो ये भी सब क्या है ये भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्र की क्या है आपकी समस्याएं हैं और ऐसी बात नहीं है कि देखो जैसे हमने पढ़ा उसमें बताया गया है कि समस्या कोई ऐसी नहीं किसी एक अर्थ जो आपकी अर्थव्यवस्था विशेष की हो ऐसा नहीं है जो भी आपकी अर्थविशेषता होंगी जो आपकी अर्थव्यवस्था है उनमें सब में कहीं ना कहीं ऐसी आपकी समस्या आपको देखने को मिलती हैं जिनमें क्या होता है ये सब सारी प्रॉब्लम सामने खड़ी होती हैं कि बेसिक आ, एजुकेशन आपको निःशुल्क देनी है हेल्थ फैसिलिटी है लोगों में किस प्रकार जो आपकी चीजें बटनी है वो कैसे बटेंगी ये कहीं ना कहीं एक हर व्यवस्था के सामने जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने एक चैलेंज के रूप में सामने आती है बच्चों आगे देखिए अतः सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार किया जाए यानी कि यह कह रहा है जो हमारे पास जितने भी आपके वस्तु हैं सेवाएं हैं जो उनका उत्पादन करना है और वो क्या है दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार किया जाए यानी कि उनमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार किया जाए उन दुर्लभ जो आपके संसाधन हैं उनमें किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे किया जाए इन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तुओं तथा सेवा का वितरण किस प्रकार किया जाए सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तु सेवाओं का वितरण ही किसी अर्थव्यवस्था की केंद्र की समस्या है देखिए बच्चों उसने क्या बताया कि अगर आपको किसी केंद्र की समस्या देखनी है वो क्या है अंतिम यानी कि सब वितरण और जो सीमित संसाधन का विनिधान ये क्या है ये सब ये क्या है किसी अर्थव्यवस्था की क्या है मुख्य संभा क्या है आपकी परेशानियां हैं आपकी प्रॉब्लम है यानी कि ऐसी बात नहीं अगर आप मेन कोर में जाएंगे तो कोर में आपको क्या मिलेगा आपके सीमित संसाधन और आपकी वस्तु सेवाओं का वितरण सबसे बड़ी क्या है समस्या है यानी कि जो आपके विनिधान है आपकी जो आपके दुर्लभ संसाधन है उनमें किस प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वो अपनी चीज़ों के लिए अच्छा हो सके और साथ में ये कोशिश रहती है कि जो भी आपका वस्तु उत्पादन होगी वो कैसे किया जाए किन माध्यम से किया जाए इन सब के विषय में क्या होती है ये ये जितनी भी आपकी मुख्य समस्याएं हैं चाहे आपको वस्तु उत्पादन को लेकर हो और चाहे उसके विनिमय को लेकर हो या फिर वो किस प्रकार जनता के बीच या आम लोगों के बीच पहुँचनी है इसको पहुँचाने के लिए जितनी सारी समस्याएं हैं ये हर अर्थव्यवस्था की केंद्र की कोर की समस्याएं हैं जिनके साथ क्या होता है जो आपके आर्थिक समस्या आपकी शुरू होती हैं बच्चों क्लियर हो गया आइए आगे, आगे देखते हैं देखिए एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में कुछ हमें समझाने की कोशिश करी गई है मैं आपको समझाऊँगा देखिए सीमांत उत्पादन संभावना अभी हमें समझाना चाह रहा है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है बच्चों आइए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों का अभाव होता है किसके पास होता है बताए अभाव संसाधनों का बच्चों किसके पास होगा भाई व्यक्ति के पास होगा या किसी अर्थव्यवस्था के पास भी हो सकता है उसी प्र उसी तरह कुल मिलाकर किसी अर्थव्यवस्था के संसाधन भी उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले व्यक्तियों की सम्मिलित आवश्यकताओं की तुलना में सर्वदा सीमित होते हैं यानी कि यह बता रहा है कि जिस प्रकार आपका किसी व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं जो आपका व्यक्ति है उसके पास अपने कैसे होते हैं संसाधन आपके सीमित होते हैं उसी प्रकार अगर आप किसी भी अर्थव्यवस्था को देखेंगे बच्चों उसके पास जो अपनी व्यक्ति विशेष को लिए जो व्यक्ति हैं उनको जितनी उनकी आवश्यकता होती है जो वहाँ के व्यक्ति हैं किसी अर्थव्यवस्था के या जिस समाज के वो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कराने के लिए जो उसके पास संसाधन है वो सदैव कैसे होते हैं आपके सीमित होते हैं यानी कम होते हैं यानी कि कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसके पास हर चीज़ अपने समुदाय के लोगों के लिए अपने देश के लोगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त हो यानी कि कोई ना कोई ऐसा संसाधन जरूर होगा जो क्या होगा बच्चों आपका सीमित होगा और उस सीमित संसाधन का प्रयोग किस प्रकार करना है उनमें किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाए जि, जिसके माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ये सब हमें देखना है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सीमांत उत्पादन संभावना को हम लोग आपका देख रहे थे बच्चों क्लियर हो गया और देखिए हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं है कि जो संसाधनों का अभाव व्यक्ति के पास नहीं है जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके पास ही क्या है सर्वदा सीमित है यानी कि हमेशा क्या है आपका सीमित ही है बच्चों क्लियर हो गया आगे देखते हैं दुर्लभ संसाधन के विकल्प उपयोग होते हैं यानी कि जो आपके दुर्लभ संसाधन होते हैं तो उनका क्या होता है हमेशा वैकल्पिक प्रयोग होता है उनको ऑप्शन में लेते हैं कि यहाँ करें कि वहाँ ठीक है बच्चों तथा प्रत्येक समाज को यह निर्णय यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए संसाधनों की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाना है यानी कि साथ में ये भी देखना है उस समाज को कि जो भी हमारे संसाधन हैं और हम अगर कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु के उत्पादन के अंदर किस संसाधन का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है किस प्रकार करना है ये सब निर्णय कौन लेगा उसी समाज यानी कि उसी अर्थव्यवस्था को आपका लेना पड़ता है बच्चों कि क्लियर हो गया तो आप ये सब चीज़ें एक बार आप जरूर ये वाली लाइन जरूर आप अंडरलाइन कीजिए कि, कि किसी भी समाज का जो संसाधन सीमित है उसके सामने कौन कौन से आपकी प्रॉब्लम आती है ये हमने आपका यहाँ देखा था और साथ में हमने ये भी देखा कि अंतिम रूप से ये सब निर्णय लेने का अधिकार किसको है बच्चों तो आपका समाज को है क्लियर हो गया और देखिए साथ में मैंने ये भी बताया जो आपकी वस्तु और सेवा है उनके उत्पादन के लिए जो प्रत्येक जो आपके संसाधन है उनकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए इसका निर्णय कौन होगा अंतिम रूप से आपका समाज का ही होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि आखिर में जितनी वस्तु और संसाधन उत्पादन होना है और किन संसाधनों को कितनी मात्रा में प्रयोग करना है इसका निर्णय कौन लेगा आपका समाज ही लेगा बच्चों आगे देखते हैं दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय लेना होता है कि किसी विभिन्न वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए वह अपने दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करे यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि जो आपका जो समाज है या कोई अर्थव्यवस्था है अगर उसके पास दुर्लभ संसाधन है उसके पास सीमित संसाधन है उपयोगी नहीं है वो किस प्रकार उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसकी जो चीज़ें हैं जिसको उत्पादन करना है वो सब चीज़ें उसकी बढ़ जाएं और जो उसका सीमित जो आपके संसाधन है उनकी अपनी पूर्ति कर सके यानी कि अल्टीमेटली जो भी उसके आपके सीमित या दुर्लभ जो आपके संसाधन हैं जिससे वो अपनी वस्तुओं का या फिर सेवाओं का जो उत्पादन करना चाहता है उसके उत्पादन के लिए जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी चीज़ में लेकर किस प्रकार करना है कितना करना है फाइनल रूप से वो निर्णय किसका होगा उस समाज का होगा उस समाज के लोगों का होगा या उस क्या होगा उस अर्थव्यवस्था का होगा बच्चों तो आखिर में अभी तक मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि जितना भी हमने देखा है चाहे उत्पादन की मात्रा कैसे हो रही है किस प्रकार हो रही है और इसका अंतिम रूप से निर्णय आपको कौन ले रहा है बच्चों समाज ले रहा है और कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है दुर्लभ संसाधन सीमित संसाधन और उन सीमित संसाधनों में दुर्लभ संसाधनों में किस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि जिनसे आपकी जो आपकी गुड्स हैं और आपकी सर्विस है उनको क्या कर सके है? हम प्रोड्यूस कर सके क्लियर हुआ बच्चों चलिए आगे देखते हैं ध्यान दीजिए अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों के विनिधान विनिधान से विभिन्न वस्तु तथा सेवा के विशिष्ट सहयोग उत्पन्न उत्पन होते हैं ये कह रहा है कि जो अगर हम दुर्लभ जो हमारे आपके संसाधन हैं अगर हम दुर्लभ संसाधनों में इन्वेस्टमेंट अगर हम उनमें करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट तो उनसे क्या होता है आपके विशिष्ट सहयोग क्या होता है उत्पन्न होते हैं देखते हैं किस प्रकार होते हैं उपलब्ध संसाधनों की कुल मात्रा में परिलक्ष्य परिपेक्ष्य में उन संसाधनों का विभिन्न रूपों से विनिधान संभव है यानी कि अगर उन जो आपके हमारे कुल हमारे जो संसाधन हैं अगर उनका हम ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन कर लें और उनमें अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारी बहुत सारी क्या होती हैं संभावनाएं आपकी संभव हो जाती हैं उसमें सभी संभावित वस्तु और सेवा के विभिन्न मिश्रणों को प्राप्त होता है जो आपके अगर आप जो देखेंगे जो भी हमारे सामने चीज़ें मिलेंगी जो हमारी संभावना के रूप में वो क्या होगी आपकी विभिन्न आपकी मिश्रणों को प्राप्त करेंगी यानी कि आप देखेंगे कि अगर सीमित संसाधन है और अन्य चीज़ का आपके इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके विभिन्न आपकी हमें प्रोडक्ट के रूप में भी हमें देखने को मिलेंगे उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रतियोगिकी ज्ञान जो आपकी टेक्नोलॉजी है द्वारा उत्पादित की जाने सकने वाली वस्तु तथा सेवा के सभी संभव सहयोग के एक समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभव सेट कह सकते हैं यानी कि बच्चों हमें ये बताने की कोशिश करी गई है बार बार कि जो हमारे सीमित संसाधन हैं जो क्या है हमारे जो हमारे सीमित संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है और जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है ऑन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो भी हम चीजें बनाएंगे जो भी हमारे गुड्स और जो हमारी सर्विस होगी जो हमें मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपके मिश्रणों के रूप में हमें प्राप्त होगी और जो हमारे सीमित संसाधन हैं हम उनको अपने किस प्रकार यूटिलाइजेशन करेंगे हम उसको देख सकते हैं और जो भी ऐसी जो हमें रूप में दिखाई देगा वो क्या होगा संभावित सहयोग समूह को अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सेट कहेंगे यानी कि जो भी चीजें ऐसी उत्पाद होंगी वो क्या होगा एक आपका अर्थव्यवस्था में संभावना सेट होगा कि बच्चों क्लियर होगा क्या होगा संभावना सेट अब देखिए एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है उदाहरण ये देखिए और इसके माध्यम से हमें कुछ समझाने की कोशिश करेगा बच्चों पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और साथ में इसका अल्टीमेटली जो मेन उद्देश्य है इस एग्जाम्पल एक, का मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान दीजिए देखिये एक तालिका बनी हुई है सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसमें लिखे उत्पादन संभावनाएं और इसमें संभावना लिखी है ए बी सी डी ई तक लिखा है और एक तरफ लिखा है अनाज एक तरफ लिखा है कपास अनाज को शुरू कराया गया जीरो से लेकर चार तक और कपास को शुरू किया गया है टेन और आपका नाइन सेवन फोर और जीरो इसमें संभावनाएं बताई गई हैं क्लियर हो गया तो सबसे पहले जो उदाहरण है उसको पढ़ना शुरू करते हैं फिर इस तालिका की तरफ जो आपका ये दिया है इसको हम आगे देखेंगे क्लियर है बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इतना आगे देखिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लें जो अपने संसाधनों का उपयोग करके अनाज या कपास का उत्पादन कर सकती है वो ये कह रहा है कोई भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था ले लें जिससे क्या करते हो जो अपने संसाधनों का प्रयोग करके जो भी कुछ वहाँ उसके पास रिसोर्स है उस रिसोर्स के माध्यम से क्या करती हो अपना जो अपना कपास है या जो अनाज है जो उसको क्या करती हो उत्पादन करती हो अब हम देख रहे हैं कौन सी तालिका आपकी 1.1 में अनाज और कपास के उन कुछ सहयोगों को आपका दर्शाया गया है यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था ले रहे हैं जहां से कुछ सहयोग जो बनता है ना उसमें एक हमें तालिका दी कि इसको हम ले रहे हैं जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है ये कह रहा है कि जो हम सहयोग ले रहे हैं और जो कपास और अनाज का जो उत्पादन है वो क्या है आपका सहयोग है और वो क्या है संभव है क्या है बच्चों अर्थव्यवस्था में क्या है संभव है जब इसके संसाधन पूर्णतः प्रयुक्त किए जाते हैं सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के लिए ही देखिए आगे देख, कुछ ये आपसे कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि मैं आपको बता दूं इसके जो आपके संसाधन हैं उनको क्या करेंगे हम लोग पूर्णतः प्रयोग करेंगे अर्थव्यवस्था में तभी क्या बनेगी आपकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं आपकी अर्थव्यवस्था में संभव रूप में हमें क्या करेंगी उत्पादन करेंगे बच्चों आगे देखिए सभी संसाधनों का प्रयोग अनाज के लिए ही उत्पादन किए जाते जाने पर अनाज की अधिकतम संभावना उत्पादित मात्रा इकाई चार है देखिए ये कह रहा है कि अगर हम अपने सारे संसाधनों का प्रयोग करें उस संभावनाओं में आप, आपको बच्चों तालिका दिखाई गई है और उस तालिका में ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अगर हम अपने सारे अगर जो कोई अर्थव्यवस्था है अगर वो अपने सारे संसाधन लगा दें और उसमें उस सारे संसाधन लगाने के बाद जो अनाज आपका प्रोड्यूस होगा तो उसकी अधिकतम संभावना कितनी होगी बच्चों चार होगी यानी कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है अगर वो अपने सारे संसाधन लगाती है तो अनाज उत्पादन करने की संभावना कैसी हो जाती है उसकी संभावना चार हो जाती है बच्चों आगे देखते हैं यदि सभी संसाधनों का उपयोग किसके लिए करें बच्चों कपास के लिए किया जाए कह रहा अगर जितने भी जो आपके सेम संसाधन हमने किसके लगाए थे अनाज की उत्पादन के लिए लगाए थे वही सारे संसाधन हम किस किसके लिए लगा दें बच्चों जो हमारी कपास है उसके लिए तो कपास की अधिकतम संभावना की उत्पादित मात्रा कितनी होगी बच्चों दस इकाई हो सकती है देखिए अब इसमें एक चीज़ बताने की कोशिश करी गई है कि अगर हम कुछ संभावना कर रहे हैं अगर मान लीजिए जितने भी हमारे पास टोटल आपके संसाधन हैं जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्स में अगर सारे लगा दें तो अनाज की जो हमें मैक्सिमम यूनिट मिलेगी अधिकतम जो हमें मात्रा मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी चार मिलेगी और वहीं अगर हम सब कुछ लगा दें तो वो उसकी मैक्सिमम यूनिट हमें कितनी मिलेगी दस मिलेगी यानी कि आप देखना कि दो आपकी दो वस्तुएं हो गई हैं ऐसी एक और दो और जब इन दोनों का आपस में इन दोनों के जितने भी चीजें हमने लगाई हैं और इन दोनों के द्वारा जितना संसाधनों का प्रयोग किया गया है उस प्रयोग करने के बाद जो आपकी संभावनाएं दोनों की संभावना अलग है अनाज की मैक्सिमम फोर होगी और कपास की क्या होगी चार होगी क्लियर है बच्चों यानी कि संसाधन सेम है लेकिन संभावनाएं कैसी हो गई हैं आपकी बदल गई हैं बच्चों तो कपास संभावना क्या हो जाएगी दस इकाई हो सकती है देखिए वो उम्मीद कर रहा है कि अगर हम ऐसे कर देंगे तो संसाधनाएं कैसे हो जाएगी संभावनाएं अधिक हो जाएंगी बच्चों अर्थव्यवस्था में अनाज की एक इकाई कपास की नौ इकाई अर्थात अनाज की दो इकाई और कपास की सात इकाई अर्थात अनाज की तीन इकाई और कपास की चार इकाई उत्पादित की जा सकती है बहुत सी अन्य संभावना भी हो सकती हैं चित्र वन वन में अर्थव्यवस्था में उत्पादित संभावनाएं दर्शाई गई हैं बकर पर तथा अन्य उसे इसी से बच्चों आगे देखते हैं मैं आपको एक कोशिश करता हूं बताने की जो आपकी एक और नौ का जो आपका वो कर रहा है कंपेरिजन वो किस प्रकार कर रहा है देखिए वो कह रहा है अगर अनाज की एक एक यूनिट की अगर कोई आ, आपकी संभावना बनेगी तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वो आपकी कपास में नौ की संभावना हो जाएगी क्लियर है बच्चों और जो आपकी दो की है और वो कहीं ना कहीं सात की आपकी क्या हो जाएगी संभावना हो जाएगी बच्चों तो हमें ये कोशिश की गई है कि अगर हम संसाधनों का प्रयोग करें तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं वो संभावना बढ़ सकती है क्या हो सकती है बढ़ सकती है इसमें ना अनाज और कपास में के उन कुछ को आपको दर्शाया गया ये भी है है भी सहयोग देखिए जहां हम संसाधन प्रयोग कर रहे हैं वहां अनाज की एक यूनिट मिल रही है और वहीं एक यूनिट के बदले हमें क्या मिल रही है दस यूनिट तक हमें मिल सकती है ये ऐसी क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में संभावना बताई गई है और यह संभावना कब है हम जो हमारे संसाधन हैं हम उनका प्रयोग कर रहे हैं बच्चों क्लियर हो गया ध्यान दीजिए अब देखिए एक इससे आगे आपको बकर मिलेगा उसको समझने की कोशिश करें ग्राफ होगा समझने की कोशिश करेंगे बकर पर अथवा उसके नीचे स्थित कोई एक बिंदु अनाज तथा कपास के सहयोग को दर्शाती है देखिए ये कह रहा है ये क्या है हमारा कपास है बच्चों और ये क्या है हमारा अनाज है देखिए उसने यहां ये सब आपके बिंदु दिए हैं ए बी सी डी तक बिंदु दिए हैं ये सब क्या है यहां से आपका जीरो से शुरू हो रहा है और अनाज की जो संभावना शुरू होगी कैसे हो रही है इस तरफ बढ़ेगी और जो आपका कपास की संभावना वो कैसे बढ़ेगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी यानी कि जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है यह है वक्र कपास की निश्चित मात्रा के बदले किसकी बच्चों यहाँ देखिए ये जो आपका कपास है उसकी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावना उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की उत्पाद आ, मात्रा को आपका दर्शाता है यानी कि हमें यह समझ आ रहा है इसमें कुल मिलाकर कि जो आपकी संभावनाएं बन रही हैं क्या बन रही है बच्चों संभावनाएं यानी कि अनाज की और कपास की जो हम संभावनाएं दे, देख रहे हैं दोनों की संभावना कहीं ना कहीं बहुत अलग हो रही है क्लियर हो गया क्योंकि जो अनाज की संभावना है जिन संसाधनों को प्रयोग कर कर हम अनाज से केवल एक दो यूनिट प्राप्त कर रहे हैं वही अगर वहीं कपास लें तो उसकी यूनिट कैसी हो रही है बढ़ रही है और ये किसके माध्यम से हो रहा है बच्चों जो हमारे संसाधन हैं उनके माध्यम से और ये कैसी बताई गई है ये संभावना बताई गई है और उस संभावना को हमें वक्र के माध्यम से समझाया गया है पहले एक हमें तालिका प्राप्त कराई गई जिसमें लिखा था ए से लेके तक और उसमें नंबर डिजिट वो आपकी बनाई गई थी बच्चों चार तक जो आपकी अनाज की थी और उसके बगल में एक हमें डायग्राम दिया था आपका कपास का, का और उसमें संभावना दिखाएंगे दस तक यानी कि हमें दोनों संभावनाओं को बताया है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था है अगर उसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसकी दोनों संभावना हो सकती है यानी कम भी बन सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है क्लियर हो गया जैसे दिखाया अनाज में कि अगर हम पूरा अपने सारे जो संसाधन है रिसोर्स है हम उनको प्रयोग कर रहे हैं और साथ में कपास में तो कहीं ना कहीं कपास के अंदर बहुत अधिक आ, जो संभावना है वो क्या हो रही है आपकी बन रही है बच्चों आइए आगे, आगे देखते हैं और इस वक्र को सीमित उत्पादन संभावना कह सकते हैं अब देखिए क्या कह सकते हैं सीमित उत्पादन संभावना आपका कह सकते हैं आप ये भी समझिए जो आपका सीमित उत्पादन संभावना है देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसी दो जो आपकी वस्तु हैं एक आपका कपास है एक आपका अनाज है इन दोनों वस्तुओं का जो आपके सहयोग को क्या कर रही है बच्चों ये आपके दर्शा रही है किसके सहयोग को जो आपका कपास है और ये क्या है अनाज इन दो के सहयोग को क्या कर रही है बच्चों ये आपके आपका दर्शा रही है यानी कि सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि जो आप हमने आ, हम जो आपका वक्र देख रहे हैं सीमांत वक्र ये सीमांत वक्र हमें ये कोशिश करता है कि जो आपकी जो दो वस्तुएं हैं उन दो वस्तुओं का जो आपका सहयोग है उन दोनों वस्तुओं का सहयोग एक हमारी जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित जो आपका रिसोर्सेज है जो आपका संसाधन है वो पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था में प्रयोग करेंगे बच्चों आप सिंपल ये मान सकते हैं कि जो हमने दो संभावनाएं देखी हैं देखिए सीमित समझावना जो आपको बताना थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज ही बताऊं और कल भी बताऊं ताकि चीज़ें आपकी बहुत अच्छे समझ हो आप समझिए आप ऐसे मान लीजिए जो आपको सीमित संभावना वक्र आपको समझना है सिंपल आप ये देख सकते हैं कि दो ऐसी वस्तु हैं जिनका सहयोग उत्पादन करके हम उनका प्रयोग अपनी अर्थव्यवस्था में करते हैं क्लियर हो गया जैसे हमने एक सहयोग से अनाज देखा और दूसरा हमने क्या देखा आपकी कपास और उन दोनों को हमने देखने के बाद उनका उत्पादन देखा और साथ में उनकी अधिकतम जो संभावना है उत्पादन की हमने ये भी देखी और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर हम उनका प्रयोग अगर उनको चाहे अनाज हो या कपास हो अगर उनको उत्पादन में कर रहे हैं तो आपका किस प्रकार आपकी संभावनाएं बन रही हैं इसको दिखाने के लिए हमें एक वक्र बनाया गया है जिसको दिखाया गया है बच्चों यानी कि जो आपका कपास का रेट है वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जबकि जो गेहूँ है वो आपके नीचे की तरफ आपको बढ़ता दिखाई देगा ताकि इससे क्या हो जाए आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये देखिए आपका वक्र है पूरा क्लियर हो गया इसको बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे क्या बनेगा आपका संभावना वक्र बनेगा जिसमें अधिकतम देखिए मेन अल्टीमेट क्या है इसमें क्या दिखा रहे हैं निश्चित तौर पर किसी मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावना क्लियर हो गया बच्चों क्या देखना है अधिकतम संभावना उत्पादित होती है यानी कि आप सिंपल समझ सकते हैं कि सीमांत वक्र में अधिकतम उत्पादना संभावना को बताया गया है मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा और जो आपको कुछ ऐसा रह गया तो मैं दोबारा कल एक बार फिर बताने की आपको कोशिश करूँगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और एक बार आप घर जाकर ज़रूर पढ़ें और कोई अगर ऐसा बच्चा रह गया है जो आज हमारी क्लास को नहीं ले पाया है डी डी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो उस क्लास को दोबारा पढ़ सकता है तथा तो जो भी हमारी अन्य क्लासे हैं उनको भी पढ़ सकता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा आपका दिन शुभ हो धन्यवाद